हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कंपोनेंट सर्विसेज इवेंट व्यूअर ओडीबीसी डेटा 32 बिट और ओडीबीसी डेटा 64 बिट, फिर रिसोर्स मॉनिटर, टास्क शेड्यूलर, सर्विसेज, कंपोनेंट मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन, इन सब की हमने जानकारी ली थी। तो हमारा आधा जो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का जो ये टॉपिक है वो कवर हो गया है कंट्रोल पैनल के अंदर। तो आज हम सीखेंगे कि डिफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स क्या होती है। इस ऑप्शन को क्यों
और ये किस तरह से काम करता है। तो मान लो कि एक हार्ड डिस्क है मेरे सिस्टम के अंदर, और ये हार्ड डिस्क की अपनी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेट कर सकते हो कितनी एमबीपीएस की है, कितनी पर सेकंड के अंदर, कितनी रोटेशन पीरियड है। तो ये जो ऐसा इंजीनियर ने सोचा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम उन्होंने ढूंढा कि यहाँ पर एक ऐसी सिस्टम होनी चाहिए कि जो फाइल्स जो होती है उनको एक यूनिक बेस पर, जो हमारे अलग अलग फोल्डर होते हैं, अलग अलग हम फाइल को जैसे तैसे बना देते हैं, क्रिएट कर देते हैं, और उन सभी को फोल्डर्स को, चाहे हम फोल्डर के अंदर डेटा, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाए या फोल्डर के अंदर फाइल्स रखे, और उन फोल्डर को या हम कोई भी हम नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करके या तो फिर नेटवर्क के साथ शेयर करें या तो डेटा को हम सेंड करते हैं, शेयर करते हैं। तो जो भी हमारे हार्ड डिस्क के ऊपर डेटा की जो पार्टीशन के ऊपर जो लोड पड़ता है, ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इन सब को क्या करता है, एक ऑप्टिमाइज करके उनको एक अच्छी तरह से सीक्वेंस वाइज सेट करे। तो यहाँ पर ऑप्टिमाइज करके, उसको एनालाइज करके ये क्या करता है, एक अपने तरीके से ये सेट कर लेता है एक वन बाय वन, जैसे कि बंच होता है यहाँ पर पेपर का, या फिर हम कोई एक ट्रे होती है उसके ऊपर को ट्रे रखते हैं हम। तो कोई काम की जो चीजें होती है वो सभी एक एक अलग तरह की क्या करता है, ऑप्टिमाइज करके उसको सेट कर लेता है ये डिपार्टमेंट ऑप्टिमाइज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर। तो ये जो ऑप्टिमाइज जो होता है वो ऑप्टिमाइज करके वो उसको आप क्या कर सकते हो, एनालाइज करना होता है। तो मैं पहले कहूँगा कि आप एनालाइज करो फिर ऑप्टिमाइज करो, क्योंकि एनालाइज करके क्या होता है, उसको डेटा के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो अलग अलग सेट करेगा, फिर ऑप्टिमाइज जो होता है उसको क्या करेगा, पूरी तरह से उसको सेट करके रखेगा। तो यहाँ पर हमारा जो डेटा होता है वो फास्ट तरीके से काम करता है, और यहाँ पर हमारा जो पार्टीशन होते हैं वो भी क्या होते हैं, परफेक्टली फटाफट ओपन हो जाते हैं। तो ये जो एक दूसरा भी टूल है डिस्क क्लीनअप, तो उसके लिए बात करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ डिप्रेमेंट ऑप्टिमाइज ड्राइव की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पार्टीशन के लिए ही यहाँ पर यूज होता है। तो कोई भी कंप्यूटर हो तो यहाँ पर उसकी जो लैंग्वेज होती है हार्ड डिस्क के ऊपर जो स्टोर होता है हमारा डेटा, वो जीरो और वन के बीच में यहाँ पर सेव होता है। और ये जो हमारा जीरो वन जो बीट होता है वो कंप्यूटर लैंग्वेज ऐसा नहीं समझता कि ये पिक्चर का है डेटा। तो ये जो होता है जितना भी हमारा कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है वो जीरो वन के बीट में ही फॉर्म में काम करता है। तो यहाँ पर जो हार्ड डिस्क के ऊपर हमारा जो डेटा होता है उन डेटा को सही तरीके से सेट करने का काम डिक्रिप्टमेंट ऑप्टिमाइज ड्राइव करता है। यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन सी रोटेशन पर मिनट की, कितनी जीबी की यूज कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से होता है डिफ्रेगमेंट और ऑप्टिमाइज की ये सिस्टम जो है। पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे इसकी विंडो, तो इस तरह की कुछ विंडो ओपन होगी डिफ्रेगमेंट और ऑप्टिमाइज की, और मैं इसको मैक्सिमाइज करने का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं इसको मैक्सिमाइज नहीं कर पाऊँगा, इसलिए इतनी ही उसकी विंडो रहेगी। तो पहले मैं आपको कह देता हूँ कि डिफ्रेगमेंट क्या होता है, कि कंप्यूटर को आप इफेक्टली आपको परफेक्टली और ज़्यादा अच्छी तरह से चलाना है, और आपकी जो ड्राइव्स होती है आपकी हार्ड डिस्क के अंदर वो बहुत सारी ऐसी कुछ फाइल्स वगैरह होती है वो आपके सिस्टम के अंदर। तो ये जो सिस्टम होती है हमारे कुछ फाइल्स वगैरह होती है यहाँ पर, ये बहुत सारी ऐसी कुछ फाइल्स वगैरह होती है। तो उस फाइल को, उस फोल्डर को, उस ड्राइव को एनालाइज करता है, उसको ऑप्टिमाइज करता है, और वो ऑप्टिमाइज करने के बाद वो क्या इफेक्ट अच्छी तरह से देता है, क्योंकि कुछ फाइल ऐसी होती है कि हमारी फाइल होती है, कुछ फाइल हम जैसे तैसे क्रिएट कर देते हैं, कुछ फाइल ऐसी होती है जो हम यूज़ नहीं करते लेकिन फिर भी हमको वो कभी कभी यूज़ करनी, कुछ फाइल ऐसी होती है कुछ ज़रूरी होती है हमारी, तो कुछ फाइल ऐसी होती है कि हमारे कुछ फोल्डर्स के अंदर होती है। तो ये क्या करता है उस, तो ये क्या करता है आपको कंप्यूटर को हेल्प करता है टूल्स, और ये टूल्स जो है हमारा सिस्टम के अंदर हमेशा कंप्यूटर को एनालाइज करके, आपके ड्राइव्स को एनालाइज करके फिर वो ऑप्टिमाइज कर सकते हो। लेकिन उसके बाद आपका कंप्यूटर जो होगा वो, उसका ड्राइव जो होगा वो क्या फास्ट जल्दी ओपन हो जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर देख सकते हो या फास्ट ओपन होता है, कभी कभी इस तरह से वर्किंग ऑन इट यहाँ पर देख सकते हो वर्किंग ऑन इट। तो लॉन्ग टाइम वो टाइम लेता है, क्यों, क्योंकि हमने उसको ऑप्टिमाइज नहीं किया और ना ही उसको एनालाइज किया है। तो ये एनालाइज पहले करवाते हैं फिर बाद में हम उसको ऑप्टिमाइज करवाते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे कि ये इनके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, कौन कौन से सेटिंग्स होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसके पार्ट में के क्या होता है यहाँ पर, किस तरह की सेटिंग्स करना चाहिए हमें, और कितना हमें फ़ायदा हो सकता है यहाँ पर, और हमें और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है यहाँ पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।